नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। नैनीताल की जिला अधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें डीएम ने आम जनमानस की समस्याओं और शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया, जिसमें विभिन्न लोगों ने पेयजल, सड़क, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, विद्युत, आवास, आर्थिक सहायता, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड में नाम दर्ज के साथ ही 50 से ज्यादा शिकायतें और समस्याएं दर्ज हुई हैं। आपको बता दें, डीएम ने जनसुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही निस्तारित करते हुए बाकी समस्याओं का शिकायतों को फोन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को आमजन मानस की समस्याओं और शिकायतों का भलीभांति स्थलीय निरीक्षण करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान हल्दू पोखरा नायक की ग्रामीण महिलाओं, रकसिया नाला के जल भराव की समस्या, पिछले 2 महीने से पेयजल की समस्या रखी, जिस पर डीएम ने फोन पर अधिशासी अभियंता जल संस्थान ग्रामीण को ग्रामीणों के साथ निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो वहीं ग्राम विजयपुर देवलचौड़ निवासी कीर्ति ने बताया कि दिव्यांग और वृद्धावस्था के कारण असहाय होने से वर्तमान में बीते 6 साल पैपुर में अंत्योदय राशन कार्ड का स्थान परिवर्तन न होने के कारण अपना राशन कार्ड विकास क्षेत्र उकलकांडा में बीते साल 2022 को समर्पण के बाद खाद्य आपूर्ति क्षेत्र हल्द्वानी को राशन कार्ड प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन अभी तक राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं हो पाया है, जिस पर डीएम ने जिला आपूर्ति अधिकारी को राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के निर्देश दिए। सामाजिक कार्यकर्ता भीमताल पूर्णचंद ब्रिजवासी ने नैनीताल की तर्ज पर भीमताल नगर पंचायत के अंतर्गत सभी नालों, चौराहों, सड़कों, झील में ड्रेनेज सिस्टम के सुधार के कार्यों के संबंध में आवेदन दिया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।